गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी। तो देखिए, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। इसमें ना ही ज़्यादा ऑयल, कोई भी मिर्च मसाले नहीं ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल खिली खिली सब्ज़ी बनी है ये। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। मैंने ये बिल्कुल पतले पतले काट कर आलू ले लिए हैं और शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक लंबी लंबी काट लिया है। और मैंने इसमें मोटी मोटी लंबी लंबी प्याज काट ली है। टमाटर मैंने यूज नहीं किए हैं, अगर आपको डालें तो आप डाल सकते हैं। टमाटर से थोड़ी सब्ज़ी चिपचिपी हो जाती है। ये मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ा लिया है। अब इस तेल को अच्छे से पकने के बाद सबसे पहले मैं इसमें अपना जीरा डाल दूँगी। ये जीरा डाल दिया है। अब जब जीरा से चटक जाएगा तो इसमें सबसे पहले मैंने डाल दिए अपने आलू। देखिए, आलू मैं सबसे पहले इसलिए डालती हूँ क्योंकि आलू को पकने में टाइम लगता है। तो आलू मैं हल्के से गोल्डन कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में प्याज डाल देती तो आलू के साथ फिर प्याज बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती, ज़्यादा पक जाती। तो प्याज ही मुझे ज़्यादा नहीं पकानी है। और जब मेरे आलू हल्के से पके हो जाएंगे, पके पके से, तो उसके बाद ये बीच में से हटाकर बीच में जो चिकनाई है उसमें मैं अपनी प्याज डाल दूँगी इस तरीके से। और प्याज को चिकनाई में 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए इस तरीके से भून लेंगे, जिससे कि प्याज में जो पानी होता है वो पानी उसका ख़त्म हो जाए। और अब इसमें हम डाल देंगे अपने मसाले। तो मसाले मैं यूज करती हूँ अपनी पसंद से। आप जैसा तीखा खाते हो उसी तरीके से मसाले यूज कीजिएगा। मैं सबसे पहले इसमें डाल दूँगी नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये हल्दी, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर सूखी सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, मैंने सिर्फ इसमें ये 3 चीज़ें डाली हैं और एक डालूंगी हींग। ना इसमें कोई गरम मसाला डालूंगी, ना कोई अमचूर पाउडर, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने सब्ज़ी बनाई है। अब इसमें डाल देंगे हींग। देखिए, हींग मैं थोड़ा सा बीच में ही डालती हूँ। अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इस सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करते चलाते हुए अब इसमें हम डाल देंगे अपनी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च सबसे लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च हल्की सी क्रिस्पी ही अच्छी लगती हैं। ज़्यादा पक जाती हैं तो ये अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए इन्हें हल्की सी क्रिस्पी रखना है। तो लास्ट में डालकर इसे चलाते हुए 2 मिनट के लिए हम इसे ढककर पकाएंगे। सब्ज़ी ये बहुत जल्दी बन जाती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और ज़्यादा मिर्च मसाले मैं डेली खाने में यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी नहीं बताती हूँ। आप देखिए, अब अपनी सब्ज़ी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल खिली खिली सब्ज़ी बनती है इस तरीके से जब हम सब्ज़ी बनाते हैं शिमला मिर्च की। अगर हम कुकर में ये सब्ज़ी बनाते हैं तो वो सब्ज़ी हमारी घुट जाती है और उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। तो मैं ये सब्ज़ी इसलिए कढ़ाई में ही बनाती हूँ। ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ।